asalamu As alaikum. Welcome to Virtual University's course on Business and Technical Communication. In today's lecture, we will be looking at the 7 C's of effective communication. We will be looking at clarities, the 5 W's, who, what, where, when, and why. And also, we will look at if you can answer all the questions stated by a questioner, all the questions implied by a questioner, and if you can give extra information when desirable. This means that in this lecture you will basically learn how to use one word in place of phrases. how you explain We will also look at how you can use one sentence in place of two. अगर कहीं कोई बात है जो आपको दो जुमले लग रहे हैं कहने में उस बात को आप एक जुमले में मुकम्मल तौर पे किस तरह वाज तौर पे कह सकते हैं एंड ऑल्सो रीड आउट अलाउड टू लिसन फॉर वर्ड इन एस अगर कोई ऐसी बातें हैं जो बहुत जिसमें बहुत मुश्किल ज़बान इस्तेमाल की हुई है या बहुत ज़्यादा लफ्ज़ इस्तेमाल किए हुए हैं उसको हम किस तरह कम लफ्ज़ों में कह सकते हैं वी विल ऑल्सो लुक एट हाउ टू ओमिट आउटडेटेड ट्राइट एक्सप्रेशंस बहुत से ऐसे हमारी जबान में बातें होती हैं जो कि आजकल के ज़माने में इस्तेमाल नहीं हो की जाती हम पुरानी अंग्रेज़ी तौर पर बोलते हैं और आजकल की नई अंग्रेज़ी में वो बातें नहीं इस्तेमाल की जाती तो हम वो भी देखेंगे कि वो वाली वो एक्सप्रेशन जो इस तरह के हैं उनको हम किस तरह अपनी ज़बान से निकालें और नए तौर नए तरीक़ों के साथ हम अंग्रेज़ी टेक्निकल कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल करें विल ऑल्सो भी आस्किंग आर सेल्वस वॉट मटीरियल इज रियली रेलिवेंट बहुत सी इन्फॉर्मेशन हम लोगों को देते हैं जिसमें हम बता तो रहे होते हैं लेकिन शायद वो जरूरी नहीं है कि वो लोग वो बात सुनना चाहें तो इस, इसलिए हम ये भी देखेंगे कि ये जो हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं ये uh, ज़रूरी भी है या नहीं वील ऑल्सो लुक फॉर अनसेसरी रेपिटेशन डज द सेम वर्ड और आइडिया अपेयर टू ऑफन अलाट ऑफ द टाइम्स We are giving information and in order to try to make ourselves more comprehensible, we tend to repeat ourselves too often. Um, we will also look at how to compose a written or oral message and what uh, communication principles we need to apply for those. एंड दीज कम्युनिकेशन प्रिंसिपल आर कॉल्ड द सेवन सीज ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन ये सेवन सीज जो हैं ये हैं कम्प्लीटनेस कंसाइसनेस कंसिडरेशन कंक्रीटनेस क्लैरिटी कर्टसी करक्टनेस कम्प्लीटनेस जैसे कि वाजह है कम्प्लीटनेस का मतलब है कि एक जो चीज़ है वह पूरे तौर पर मुकमल हो कम्प्लीटनेस का मतलब है कि जो भी हम पैगाम दे रहे हैं वह मुकम्मल तौर पर हमारे जो ऑडियंस है उस तक पहुंच सके कंसाइसनेस का किसे ये मुराद है कि जो भी हमारा पैगाम हो वो मुकम्मल भी हो लेकिन उसमें हमने बहुत ज़्यादा फ़ालतू लव्स या फ़ालतू बातें ना इस्तेमाल की हुई हों और वो एक शॉर्ट तरीके से हम समझा सकें कंसडरीशन की जब हम बात करते हैं तो इसका ये मतलब है कि हम ये भी सोचें कि जो हमारे सुनने वाले हैं उनको ये बात समझ आएगी या नहीं आएगी जो हम बता रहे हैं उनको मतलब कि उनकी भी फीलिंग्स का और उनके भी समझ समझ का हम एहसास करें कॉन्क्रीटनेस से मतलब है कि जो भी बात हो वो पुख्ता हो ठोस हो क्लैरिटी जो हमारा पैगाम है वो क्लियर हो झूठ uh, का इम्कान ना हो द सेवन सीज अप्लाई टू बोथ रिटन एंड ओरल कम्युनिकेशन ऑल दो वी डील विद दीज सेंटेंस लेवल दे आर एप्लीकेबल टू ऑल फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन इस कोर्स में तो हम उनको आपको बताने के लिए और हम अभी फिलहाल इनको सेंटेंस लेवल पे डील कर रहे हैं एक छोटे से छोटे जुमले के लेवल पे डील कर रहे हैं लेकिन जब हम हर किस्म की कम्युनिकेशन में ये हमारे लिए ये सारे जो सीज हैं ये आ, इस्तेमाल होते हैं टू सम एक्सटेंट द प्रिंसिपल ओवरलैप बिकॉज दे आर बेस्ड ऑन अ कॉमन कंसर्न फॉर द ऑडियंस वेदर द ऑडियंस कंसिस्ट ऑफ लिसनर्स और रीडर्स बहुत सी चीजें हैं कंप्लीटनेस करेक्टनेस कंसाइसनेस एक्सेट्रा जो आपस में बहुत मिलती जुलती हैं और लेकिन जो भी है जो भी हम प्रिंसिपल इस्तेमाल करें उनको हमने ये सोच के इस्तेमाल करना है कि जो हमारा सुनने वाले हैं या जो हमारी बात को पढ़ने वाले हैं उन तक जो हमारा पैगाम है वो मवसर तौर पर पहुँच सके जब हम कम्प्लीटनेस की बात करते हैं एक मैसेज मुकम्मल होने की बात करते हैं तो फिर ये हमें ख्याल करना है कि जब हमारा मैसेज उसी वक्त कम्प्लीट है जब उसमें सारी जो बात हम कहना चाहते हैं वो उसके अंदर हों सो बेसिकली The message is only complete when it contains all the facts that the readers or listeners need for the reaction that you, as a communicator, desire. Communication senders, that is, the people who are communicating or who are giving out the message, need to assess their message from the eyes of the receiver to be sure they have included all the relevant information. बहुत बार ये होता है कि जब हम बात कर रहे होते हैं बल्कि बहुत बार क्या हम ज़्यादा हमेशा यही होता है कि जब हम बात कर रहे होते हैं तो हम सामने जो हम जिससे हम बात करते हैं वो हमारे सामने होता है अनलेस ये कि आप टी वी पर बात कर रहे हैं जिस तरह मैं आपसे कर रही हूँ तो जब सामने हमारी ऑडियंस हमारे सामने है तो हम हम उनकी आँखों को देख सकते हैं और उनकी आँखों से हम ये हमें पता चल जाता है अंदाज़ा हो जाता है कि हमारा मैसेज उन तक सही तौर पर पहुँचाए या नहीं पहुँचा अगर ज़ाहिर है उनकी आँखों में हमें हैरानगी नजर आएगी तो इसका मतलब है कि हमारी बात उन तक सही नहीं पहुँचे या उनको समझ नहीं आई तो है तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने ऑडियंस की और या जो हमारे सुनने वाले हैं उनकी उन, उनके फेशियल एक्सप्रेशन जरूर देखें द बेनिफिट्स ऑफ कम्प्लीटनेस आर दैट कम्प्लीट मैसेज आर मोर लाइकली टू ब्रिंग द डिजायर्ड रिजल्ट जाहिर है जब हमारा पैगाम मुकम्मल होगा तो जो हम चाहते हैं उस पैगाम से हमारा हमें रिएक्शन मिले वो भी ज़्यादा मुकम्मल होगा कम्प्लीट मैसेज ऑल्सो डू अ बेटर जॉब एट बिल्डिंग गुड विल जब हमारा पैगाम मुकम्मल होगा तो जो हमारे सुनने वाले या पढ़ने वाले के साथ जो हमारी रिलेशनशिप इस्टेब्लिश होगी वो भी बेहतर होगी कम्युनिकेशन दैट सीम्स इनकॉन्सिक्वेंशल या बेकार फजूल कैन बिकम वेरी इंपॉटेंट इफ इंफॉर्मेशन द मैसेजेस कंटेन इज कम्प्लीट एंड इफेक्टिव जो हमारा मैसेज है अगर उसमें कुछ भी इंफॉमेशन ऐसी है जो कि बेकार लग रही है वो हम अगर हटा दें तो हमारा मैसेज बहुत बेहतर हो सकता है इन ऑर्डर टू मेक श्योर दैट द मैसेज इज कम्प्लीट वी नीड टू कीप द फॉलोइंग गाइडलाइंस इन माइंड वी नीड टू प्रोवाइड ऑल द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन जो भी इंफॉर्मेशन हमसे मांगी गई हो या जो हमारा ख्याल है कि हमारे सुनने वे वाले, पढ़ने वाले को चाहिए वो हमें देनी चाहिए वी ऑल्सो नीड टू आंसर ऑल द क्वेश्चन दैट हैव बीन हैस्ड एंड ऑल्सो गिव समथिंग एक्स्ट्रा वेन डिजायर्ड And now we will, we will also talk about all these things in detail. As far as providing all the necessary information is concerned, we have to answer the five W's that make the message complete. If you remember, Hamnes lesson Kihururu may be in five W's, Kibath Kiti. Who, what, when, where, and why. We have to make sure that we have answered these five W's if they are making the message clear. When requesting a merchandise, for example, we need to make sure what you want, what you, when you need it, to whom and where it is to be sent, and how the payment would be made. Okay. Sare ho, cover we also need to answer all the questions that have been asked. Okay. Necessary information we have, Jojo Saval We se puche wo unke have We need to now, in order to do that, we need to look for the questions. ज़रूरी नहीं है कि जो सवाल हों वो इतने क्लियरली क्वेश्चन मार्क के साथ हमारे मैसेज में दिए गए हों या जो हमसे हम, मांगी गई इन्फॉर्मेशन उसमें वो सवाल के तौर पे ही मांगी गई हो इसलिए हमें उसमें हिडन सवाल ढूंढने होंगे सम ऑफ द क्वेस् मे अपेयर बेरिड विदिन अ पैराग्राफ एंड सो वी नीड टू लोकेट दैम एंड आंसर दैम प्रसाइसली जो भी हमें मिले जो जहाँ भी हमें लगे कि ये जो चीज़ है इसकी हमें जवाब शायद देना पड़े उसको हमें डील uh, करना है और हमने उस चीज का जवाब मवसर तरीके से देना है ना कमिंग टू आंसरिंग ऑल द क्वेश्चन कॉलीग और अ परस्पेक्टिव कस्टमर्स रिएक्शन टू एन इनकम्प्लीट आंसर इज लाइकली टू बी अनफेवरेबल इफ यू हैव अ कॉलीग और इफ़ यू हैव अ प्रोस्पेक्टिव कस्टमर हु वॉन्ट्स टू मे बी बाय समथिंग फॉर आस और हु हैज अ क्वेरी दैन इफ वी आर गिविंग एन इनकम्प्लीट आंसर दे माइक नॉट बी वेरी हैप्पी विद एट जाहिर है अगर आप एक कस्टमर हैं और आप फॉर एग्जाम्पल किसी दुकान में जा कर कोई सवाल पूछेंगे और उसका आपको मुकम्मल तौर पर जवाब नहीं मिलेगा तो आप भी बहुत खुश नहीं होंगे इसलिए जब आप कोई सी चीज़ का जवाब देंगे तो आप भी उसको मुकम्मल तौर पर ही देंगे और जो भी उसमें सवाल पूछे गए हैं उनका आपने जवाब देना होगा दस्टमर मे थिंक दैट द रिस्पॉन्डेंट इज़ केयरलेस और पर्पजली ट्राइंग टू कंसील अ वीक स्पॉट ऑब्वियसली अगर कोई आप बात पूरी नहीं बताएंगे तो सुनने वाला तो यही समझेगा कि आप शायद जानबूझ के नहीं बता रहे हैं इन जनरल कास्ट सस्पेशन वेदर आर आंसरिंग एन इंक्वायरी अबाउट योर प्रोडक्ट और रिकमेंडिंग अ फॉर्म ओर एम्प्लॉई टू अ न्यू जॉब जितनी भी बात आप छुपाएंगे अगले को भी ये लगेगा कि आप शायद जानबूझ के छुपा रहे हैं और आपके पास कुछ आने की बात है इसलिए बेहतर है कि जो हो आप वाजे तौर पर बता दें

उन तक पहुंचाए फॉर एग्जाम्पल इन वन इंस्टेंस्यूटर एंड बेरिड इन फाइव लॉन्ग पैराग्राफ्सोंडेंटलीवर लुक दवाले सात सवालों में से कुछ सवाल जो थे वो छुपे हुए थे पांच पैराग्राफ्स थे उनके अंदर वो सवाल पूछे गए थे जो पढ़ने वाला था उसको नहीं वो सवाल मिल सके या उनकी समझ नहीं आई द रिप्लाई देर फो व्लीट एंड अनफ्रेंडली एंड कॉज द डिस्ट्रीब्यूटर टू लूज बिजनेस जाहिर है जब सवाल समझ ही नहीं आए या जब सारे सातों के साथ सवाल जवाब देने वाले को मिले ही नहीं तो जो जवाब था वो भी कंप्लीट नहीं था जितने सवाल उनको मिले उतने ही सवालों का उन्हें जवाब दिया और उसका नतीजा ये हुआ कि जो डिस्ट्रीब्यूटर था जिसने सवाल पूछे हुए थे वो अपना बिजनेस कहीं और ले so asked, question, गए सो समटाइम्स इन ट्राइंग टू आंसर ऑल द क्वेश्चन दैट हैव बीन है बिफोर यू आंसर अ क्वेश्चन यू नीड सर्टन स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम योर इंक्वायर जो इन्फॉर्मेशन दी गई है अगर वो वाजे नहीं है तो आपको फिर वो इन्फॉर्मेशन वाजे करानी है ताकि आप सारे सवालों का जवाब मौसर तौर पर दे सकें इफ सो so, If you need to do this, it is a good idea to list the needed details on a reply form that the इंक्वायर can fill out and return to you. बहुत बार ऐसे होता है कि जो सवाल आपसे पूछे गए होते हैं वो इतने क्लियरली नहीं पूछे गए होते हैं। या जिस तरह पिछले एग्जाम्पल में हमने देखा पैराग्राफ फॉर्म में दिए हुए होते हैं और इसलिए पढ़ने वाले को सारे सवाल समझ नहीं आते या पता नहीं चलते तो इसलिए बेहतर है होता है कि अगर आप किसी बिजनेस सिचुएशन में हैं तो आप जो आपको जॉब चाहिए या जो आप इंफॉर्मेशन चाह रहे हैं उनको आप एक इंक्वायरी फॉर्म पर फिल आउट कर दें ताकि फिल आउट करने वाले को भी या इंक्वायरी करने वाले को वही वही सवाल फिल आउट करने पड़ें और आप उनका जवाब मौसर तौर पर दे सकें दिस इज टू इंश्योर दैट द क्वेश्चन आर कम्प्लीट एंड दैट यू आंसर इन टर्न इज कम्प्लीट ऑल्सो यू नीड टू गिव समथिंग एक्स्ट्रा एन डिजायर यू नीड टू यूज योर गुड जजमेंट इन ऑफरिंग एडिशनल मटीरियल इफ द सेंडर्स मैसेज वॉज इनकम्प्लीट बहुत बार ऐसे होगा कि आपको लगेगा कि जो भेजने वाले ने जो ख़त भेजा है या जो इंक्वायरी भेजी है उसमें सारे सवाल नहीं हैं और ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जो उनको मिलनी चाहिए तो इसलिए बेहतर है कि आप अब ख़ुद सोच के कि कौन सी इन्फॉमेसन ऐसी है जो ज़रूरी है लेकिन शायद उनने अलग से मांगी नहीं है आपने वो इन्फॉर्मेशन भी देनी है लेकिन ये ख्याल रहे कि वन डिज़ायरेबल जो हमने लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं उनका आप ध्यान रखें क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर इन्फॉर्मेशन हर वक्त दी जाए और इसके लिए आपको जरा एहतियात करनी पड़ेगी और आपको सोचना पड़ेगा कि कौन सी इन्फॉर्मेशन किस टाइम देनी है बिकॉज यू ऑल्सो हैव टू मेक श्योर दैट यू डोंट वेस्ट द रीडर्स टाइम वैन यू आर गिविंग एडिशनल इन्फॉमेशन द इन्फॉर्मेशन दैट यू गिव शुड नॉट बी सुपरफ्लूस इट शुड नॉट बी अननेसेसरी इन प्रोबिंग वट काइंड ऑफ कम्युनिकेशन इज इज यूज वी हैव बिन एनालाइजिंग ओवर यर्स पीपल हैव बिन एनालाइजिंग द क्रेडिबिलिटी ऑफ द कम्युनिकेटर एज रिलेटेड टू द स्पीकर जो बोल रहे हैं जो सुन रहे हैं उनकी एक दूसरे के साथ किस किस्म की रिलेशनशिप है जो सुनने वाला है वह वा बोलने वाले को कितनी क्रेडिबिलिटी देता है कितना कितनी अथॉरिटी मान रहा है उस सब्जेक्ट में जिसके बारे में बात हो रही है uh, Several classic but still relevant studies suggest that five decisions are made regarding a communication source. These decisions are listed in the next slide. Competence does the audience perceive the message uh, sender as communicating honestly? Jo baat hai, wo sahi hai, ya nahi audience ke ye baat hai, ya kitna

बहुत जो बोलने वाला है वो बहुत टेंस बहुत कंफ्यूज्ड तो नहीं है क्योंकि अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो जो सुनने वाला है उस वो ज़ाहिर है उसकी बात बोलने वाले की बात पे इतना यकीन नहीं रखेंगे ऑल्सो सोशबिलिटी डज अ सेंडर कम अक्रॉस एज अ लाइकेबल इंडिविजुअल। बहुत से लोग हैं जो हमें बात करने में अच्छे लगते हैं या हमें लगते हैं कि हाँ ये तो इंसान सिंसेयर है या ये इंसान अच्छी बात कर रहा है ठीक बात कर रहा है उसकी बात को हमारा हमें यकीन करने का भी दिल जाता है इसलिए ये सोशबिलिटी का फैक्टर भी बहुत ज़रूरी है एन एक्स्ट्रा वर्जन डज द सोर्स द पर्सन हु स्पीकिंग एग्जिबिट आउट गोइंग टेंडेंसीज रादर देन टिमिडिटी अगर जो बोलने वाला है वो ऐसा लग रहा है कि वो आउट है वो ज़रा एक इंसान ऐसा है जिस जो खुल के बात कर रहा है तो उसकी बात पे ज़्यादा आराम से यकीन हो स किया जाता है फॉर एग्जाम्पल इफ यू द प्रेजिडेंट ऑफ अ कम्युनिटी वेलफेयर सेंटर एंड रिसीव द फॉलोइंग मैसेज इन लेटर फॉर्म आई एम न्यू टू दिटी एंड वुड लाइक टू कंसिडर जॉइन यू वेलफेयर सेंटर एज आई विल बी विजिटिंग द सेंटर विद इन द नेक्स्ट मंथ विल यू प्लीज टेल मी वेयर द नेक्स्ट मीटिंग विल बी हेल्ड यह पैगाम आपको आया है इफ यू आंसर ओनली दिस क्वेश्चन योर लेटर वुड बी इनकम्प्लीट जाहिर है ये तो एक सवाल था लेकिन आप जवाब जो है वह खाली इस सवाल का जवाब आप नहीं दे सकते यू शुड एड इंफॉर्मेशन अबाउट अ वेलकम मैसेज इंफॉर्मेशन अबाउट पार्किंग स्पेस डेट डे एंड टाइम ऑफ मीटिंग यो मैसेज विल दैन है रीडर रियली नीड्स एंड अप्रीशियट्साहहिर है जो अगर आपको ये पैगाम आया है कि हम सिर्फ आना चाहते हैं विजिट करने और हमें बताएं कि हमने आना है तो आप उसमें सिर्फ एब्रप्टली यही जवाब इसी का जवाब नहीं देंगे आपको जो अपना खत शुरू करेंगे या जो अपनी कम्युनिकेशन करेंगे या अगर फ़ोन पे भी आपने इसका जवाब देना है तो ज़ाहिर है आप पहले इसमें ग्रीटिंग होगी फिर आप बताएंगे कि कब आना है कहाँ आना है कैसे आना है शायद आपको रास्ता समझाना पड़े एक्सेट्रा और ये सब चीज़ें वन डिजायरेबल के तहत आप बताएंगे एन अदर एग्जाम्पल फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ यू गेट अ फैक्ट्स विच हैज़ एन इनकम्पलीट क्वेश्चन लाइक प्लीज़ फैक्स मी इन रिटर्न द डिपार्चर्स फ्राम लाहौर टू कराची ऑन एट मे अब ये सवाल जो है जो ये फैक्स में पूछा गया है ये जाहिर है बहुत मुकम्मल नहीं है लेकिन इन रिप्लाई टू द फैक्स यू वुड हैव टू गिव सम एक्स्ट्रा एज टू टाइम्स ऑफ द डे एयरलाइन फ्लाइट फ्लाइंग दट रूट कॉस्ट एंड डिपार्चर्स एंड अरावल टाइम्स ज़रूरी नहीं आठ मई को एक ही एयरलाइन लाहौर से कराची जा रही हो एक से ज़्यादा होंगी तो आपको वो भी इंफॉर्मेशन देनी होगी Another example, for example, if you get a fax saying, How come my request for an interview letter didn't receive a response? Now, this fax is obviously an incomplete question. Uh, it doesn't say that the letter that they are referring to, where it was sent, who sent it, and to whom it was sent. to ye kaha hai hamare letter ka jawab Abye letter unne, ye हमें नहीं पता तो इसलिए फैक्ट्स टू को जवाब देने के लिए आपको मज़ीद कुछ सवाल पूछने पड़ेंगे ताकि आप मौसर तौर पर उसका जवाब दे सकें इसी तरह अगर आप एक कम्प्लीट लेटर भेजें एक डिपॉजिटर को अगर आप बैंक में काम करते हैं तो डिपॉज़िटर आपके क्लाइंट हुए तो वह इनकम्प्लीट लेटर इस तरह का होगा थैंक यू फॉर द कॉन्फिडेंस यू हैव शोन आस बाई दाउंट यू हैव रिसेंटली ओपनड सुहेल मनर मुनर मुस्लिम कमर्शियल बैंक ज़ाहिर है अगर आपका नाम सुहेल मनर है तब ये लेटर इनकम्प्लीट है इसमें जाहिर इसमें जो मैसेज आपने देना है वो पूरा नहीं है इसमें कोई ग्रीटिंग नहीं है कोई क्लोजर एज सच नहीं है जो कम्प्लीट और मुकम्मल लेटर होगा वो इस तरह होगा थैंक यू फॉर द कॉन्फिडेंस यू हैव शोन इन मुस्लिम कमर्शियल बैंक बाय द सेविंग अकाउंट यू रिसेंटली ओपनड आर गोल इज टू मेक आर यू बोथ प्लेजरेबल एंड हेल्पफुल यू आर मोस्ट वेलकम टू कम इन वेन वी कैन असिस्ट यू सुहेल मुनीर मुस्लिम कमर्शियल बैंक ये जो पैगाम है ये ज्यादा मुकम्मल है इसमें सेविंग्स अकाउंट का जिक्र है इसमें बताया गया है कि अभी यह अकाउंट खोला गया है और फिर एक क्लोजर भी है जिसमें वो वेलकम कर रहे हैं कि आप आके हमें बाद में भी मिल सकते हैं और एग्जाम्पल्स जो हैं वो इस तरह हैं फॉर एग्जाम्पल सोहेल वी नीड टू गेट दिस आउट प्रटी सोन अब प्रिटी सोन का आखिर क्या मतलब है प्रिटी सोन मेरे लिए प्रटी सोन का ये मतलब हो सकता है आज के दिन के आखिर तक आपके लिए प्रिटी सून का मतलब हो सकता है इस हफ्ते के आखिर तक इसलिए ये मैसेज तब कंप्लीट होगा जब आप उस प्रिटी सून को क्लैरिफाई करेंगे एंड दैट विल बी इन अ वे फॉर एग्जाम्पल इफ यू से सोहेल वी नीड टू गेट दिस आउट बाय द एंड ऑफ टूडे ऑल्सो एंड सारा एज सून एज कन्वीनियंट वुड यू ब्रिंग मी द एक्सपेंस फाइल फॉर एग्जाम्पल अगैन एज सून एज कन्वीनियंट इज नॉट गिविंग अ कम्प्लीट मैसेज बिकॉज इट इज टू एम्बिगुअस यू नीड टू से when is as soon as convenient or you need to give a deadline you can say Sarah please bring this file to me by the end of today if that is convenient. We also have some other examples for you which we will now complete. We, uh, for example if you have something like Sohail we need to get this out pretty soon then we need to clarify how soon is pretty soon is pretty soon by the end of today, is pretty soon by the end of this week by the end of this month so, a more complete and proper message would be Sohail, we need to get this out by the end of today. this? You clarify define pretty soon. Also, as in this example, and Sara, as soon as convenient, would you, for example, bring me this file? Again, as soon as convenient is too vague. You need to complete it, give it more concreteness by saying, Sara, please bring me this file by

और uh, उस कोट का अगर आपको कुछ कलर स्टाइल वगैरह पता है तो आपको वो डिफ़ाइन करना होगा आगे इस रिक्वेस्ट में लिखा है प्लीज़ सेंड इट टू मी ऑन माई चार्ज अकाउंट नाउ एक तो सबसे पहली बात यह कि चार्ज अकाउंट क्या होता है चार्ज अकाउंट वो होता है अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल किसी दुकान में आपने अपना हिसाब रखा हुआ हो खुलवाया हुआ हो कि आप उनसे चीज़ खरीदते हैं और वो आपके हिसाब में लिख लेते हैं और आप महीने के आखिर में उनसे अपना हिसाब पूरा करते हैं हमारे यहाँ बहुत दुकानों में इस तरह नहीं होता लेकिन कई जगह होता भी है अगर आप ये कह रहे हैं तो आप अपने चार्ज अकाउंट की डिटेल्स देंगे आपका क्या नाम है आपका नंबर चार्ज अकाउंट का नंबर क्या है आप कौन से उनके ग्राहक हैंसेट्रा एक्सेट्रा इसके बगैर ये मैसेज जो है ये इनकम्प्लीट होगा अदर एग्जाम्पल्स आई एम इंटरेस्टेड इन द पोर्टेबल टी वी यू एडवर्टाइज ये इन योर न्यूज़ पेपर ना इन दिस यू नीड टू स्पेसिफाई विथ पोर्टेबल टी वी शायद वो जो इश्तहार हो उसमें उनने एक से ज़्यादा टी वी एडवर्टाइज़ किया हुआ हो तो इसलिए अगर उसका कोई मॉडल नंबर मेक नंबर वगैरह है तो आपने वो भी बताना है ऑल्सो इट सेज विल यू प्लीज टेल मी मोर अबाउट इट अब किसी भी चीज़ के बारे में मोर तो बहुत कुछ हो सकता है इसलिए आप अगर उसमें क्लैरिफाई करें कि आपको एग्जैक्टली exactly क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको ये पता करना है कि यह बना हुआ कहाँ का है आपने ये पता करना है कि इसका साइज क्या है इसमें कितने फीचर्स हैं इसमें रिमोट कंट्रोल है या नहीं है क्या क्या चीज़ आप इन्फॉर्मेशन आप चाहते हैं आपको वो एग्जैक्ट इन्फॉमेशन जो आप चाहते हैं वो आपको लिखनी होगी वरना खाली कहना कि प्लीज टेल मी मोर अबाउट इट तो जो बता रहा है उसके लिए आप बहुत मुश्किल कर रहे हैं एग्जाम्पल वुड बी प्लीज रिजर्व थ्री सीट्स फॉर द ऑपरा टर्न अबाउट सैटरडे नाइट ना अगैन इफ यू आर रिजर्विंग सीट्स फॉर एन ओपरा फॉर अ सिनेमा फॉर अ थिएटर डी वॉन्ट टू गिव एनी प्रेफरेंसेस फॉर वे दर सीट शुड बी आपको थिएटर के फ्रंट की सीट्स चाहिए बैक की सीट्स चाहिए सेंटर की चाहिए नहीं चाहिए uh, बहुत से थिएटर्स में स्मोकिंग नॉन स्मोकिंग एरिया होता है ड्रेस सर्कल होता है एक्सेट्रा आपको कहाँ सीट्स चाहिए आपको यह बताना होगा ताकि आपका मैसेज ज्यादा कंप्लीट हो एन अदर एग्जाम्पल वुड बी माई डॉटर एंड आई विश टू रीपेंट टू बेडरूम्स ईच ऑफ विच इज टेन बाई ट्वेल्व फीट प्लीज सेंड एज द राइट अमाउंट ऑफ पेंट इन पिंक टू डू दिस जॉब एंड चार्ज माई अकाउंट Now, also with this, the right amount of paint in pink is too vague. Uh, you might want to do one coat, two coats, three coats, and the right amount will then vary accordingly. So, it is better to specify the amount. Also, pink in uh, the paint might have many, many shades. So, you need to give a specific shade number. It is better if you have a shade card, you will give shade ka exact number or exact name. Batay, जो पैगाम है वो ज्यादा मुकम्मल हो नाउ वेन एवर यू हैव अ मैसेज यू नीड टू चेक विद द विदलेट मैसेज इज कम्प्लीट एंड फॉर दैट यू नीड टू रिमेंबर द दाइव डब्ल्यूज एंड टू नो दैट इफ यू हैव आंसर्ड ऑल द क्वेश्चन फाइव डब्ल्यूज जैसे हमने बात की थी वॉट वन वेयर वाई एंड हु आपने ये सारी चीजें अपने पैगाम में कम्प्लीट की हैं या नहीं की हैं और आपने जो जो ये सवाल पूछे गए हैं अगर आप आपसे तो आपने उनका जवाब मौसर तौर पे दिया है या नहीं दिया है जो सवाल क्लियरली पूछे गए हैं उनका भी जो सवाल इतने क्लियरली नहीं पूछे गए थे लेकिन इम्प्लाइड थे ढके छुपे थे उनका आपने जवाब दिया है या नहीं दिया है और आपने कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दी है या नहीं दी है जो हमने पहले बात की थी वन डिज़ायरेबल वाली कि वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की जरूरत अगर थी तो आपने वो दी या नहीं दी ये चीज़ें आपने अपने पैगाम को भेजने से पहले चेक जरूर करनी है

बाकी जो आपकी सी क्वालिटीज़ हैं क्लैरिटी वगैरह वगैरह कम्प्लीटनेस एक्सेट्रा वो आपकी आपने उनको नहीं कम करना लेकिन आपने कंसाइजनेस भी रखनी है अ कंसाइस मैसेज सेवस टाइम एंड एक्सपेंस फॉर बोथ द री सेंडर एंड द रिसीवर जो मैसेज जितना कंसाइज होगा जितना शॉर्ट होगा उसमें जाहिर है आपका टाइम भी कम लगेगा आपका शायद खर्चा भी कम हो और जो पढ़ने वाला या सुनने वाला है उसका भी टाइम कम लगेगा

जब तो ज़ाहिर है आप इसका ये मतलब है कि आप जो अपने सुनने वाले को या पढ़ने वाले को भी एक रिस्पेक्ट ये दे रहे हैं कि आप उनको फ़ालतू इन्फॉमेसन नहीं दे रहे जो उनको ज़रूरत है वो दे रहे हैं और आप उनकी नीड्स का ख्याल करते हुए वो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं टू अचीव कंसाइसनेस यू नीड टू ऑब्जर्व द फॉलोइंग सजेशन एलिमिनेट वर्डी एक्सप्रेशंस वर्डी एक्सप्रेशन से मतलब है जो ऐसे एक्सप्रेशन जो खामा खामे मुश्किल हों जो अल्फाज बहुत आपने मुश्किल इस्तेमाल किए हुए हों सिर्फ किसी को इम्प्रेस करने के लिए उसकी ज़रूरत नहीं है आप उनको उन अल्फाज को हटा के उनकी जगह बेहतर सिंपल अल्फाज इस्तेमाल करें ताकि आपका पैगाम जो है वो ज़्यादा मौसर तरीके से आप सुनने वाले या पढ़ने वाले को पहुँचे यू ऑल्सो नीड टू इंक्लूड ओनली रेलिवेंट मटीरियल एंड अवॉयड अननेसरी रेपिटेशन रेलिवेंट मटीरियल जो हमने पहले भी बात की कंप्लीटनेस के हवाले से भी कि बहुत सी अननेसेसरी इन्फॉमेशन आपने हटानी है बहुत मटेरियल वो आपने डालना है जो डिजायरेबल हो जो उस बात से ताल्लुक रखता हो वर्डी uh, एक्सप्रेशंस पे वापस आते हैं यू विल यू कैन यूज़ सिंगल वर्ड सब्सटीट्यूट इंस्टेड ऑफ फ्रेजेस वन एवर पॉसिबल विदाउट चेंजिंग मीनिंग बहुत लंबा फ्रेज इस्तेमाल करने के बजाय उसकी जगह एक सिंगल लफ्ज इस्तेमाल करें लेकिन ये ख्याल रहे कि उसका मतलब ना बदला जाए Um, for example, a wordy expression would be at this time, a concise expression would be now, a wordy expression would be due to the fact that, and a concise expression would be because. Also, you need to use single word substitutes instead of phrases whenever possible, again without changing the meaning. substitute conciseness, <laughs> जो आप सब्सटीट्यूट करें जो आप लफ्ज दूसरा इस्तेमाल करें उसका वही मतलब हो जो लंबे एक्सप्रेशन का मतलब था कमिंग बैक टू द एग्जाम्पल्स वर्डी एक्सप्रेशन वुड बी हैव नीड फॉर एंड अ मोर कंसाइज कंसाइस वुड बी नीड वर्डी वुड बी इन ड्यू कोर्स कंसाइज वुड बी सोन ऑल्सो यू नीड टू अमिट ट्राइट एंड अननेसेसरी एक्सप्रेशन फॉर एग्जाम्पल please be advised that your admission statement has been received hame please be advised ki nahi hai we can just say your admission statement has been received and that serves the same purpose as saying please be advised your admission statement has been received also allow me to say how helpful your response was you just need to say your last response was helpful allow me to say ki खिदमत गार होने की जरूरत नहीं है लिस्ट यू रिक्वेस्टेड इज अटैच अनादर एग्जाम्पल सच रिफ्रेशिंग कॉमेंट आर फ्यू एंड फार बिटवीन ये कन्वेंशनल स्टेटमेंट है इसको हम चेंज uh, करेंगे कंसाइज स्टेटमेंट डालेंगे You just need to say such refreshing comments are scarce. Few and far between Itna lamba ki hai. You need to avoid using empty phrases. For example, uh, there are four rules that should be observed. You just need to say four rules must be observed. Isi tarah empty phrases istemal karne ka ek example It was known by Mr Usman that we must reduce in size our inventory. Iska simple tarika ka Mr. Osman knew we must reduce our inventory. We also need to omit which and that clause wherever possible because it just makes the sentences too long. For example, she bought desks that are of the executive type. We just need to say she bought executive type desks. Uh, another example, the receipt that is enclosed documents your purchase. Again, we just omit that and we say the enclosed receipt documents your purchase. We also need to eliminate unnecessary prepositional phrases. Prepositional phrase wo preposition The wordy phrase would be the issue of most relevance is teamwork. And the concise replacement would be the most relevant issue is teamwork. Uh, another example would be: in most cases, the date of the inquiry is indicated in the upper right corner. You just replace it by saying the policy date is in the upper right corner. You also need to limit your passive voice. Active or, or passive voice, we have always in school. When a sentence is direct, we invert it and it in passive voice. So it is better to in active voice. The wordy example would be the total balance due will be found on page 2 of this report. The concise replacement would be the balance due is on page 2 of this report. Ye active form of sentence. Ka. Also, the reports are to be submitted by employees prior to 5 p.m., at which time they will be received by Ali. Now, this sentence very complicated. better Please submit your reports to Ali by 5 p.m. मैसेज वही है कहने का तरीका ज्यादा डायरेक्ट है अनदर थिंग टू कीप इन माइंड फॉर कंसाइसनेस इज दैट वी शुड इंक्लूड ओनली रेलेवेंट मटेरियल व्हिच मींस नंबर वन वी शुड स्टिक टू द पर्पस ऑफ द मैसेज हर मैसेज का एक पर्पस होता है एक एम होता है तो इसलिए हमें ये ख्याल करना होगा कि इस मैसेज का क्या एम था हम क्यों ये मैसेज लिख रहे हैं और जब तक हम उसका ख्याल नहीं रखेंगे हमारा मैसेज कंसाइस नहीं होगा वी ऑल्सो नीड टू डिलीट इरेलीवेंट वर्ड्स एंड रैम्बलिंग सेंटेंसेज रैम्बलिंग सेंटेंसेज से मुराद जो सेंटेंसेज खामा ख़ाह में लंबे हों इलेवेंट जाहिर है जिन जो अनेसरी हों जिनकी ज़रूरत नहीं है तो उन सबको हमें डिलीट करना है एंड अधर एस्पेक्ट इज़ देट वी नीड टू अमिट इन्फॉमेसन विच इज़ ऑबियस टू द रीडर बहुत सी इंफॉर्मेशन होती है जो हमें कहने की ज़रूरत नहीं होती हमारे रीडर को या हमारे लिसनर को उस चीज़ का पता है तो इसलिए हम कोई फायदा नहीं है कि हम वो चीज़ ख़ामा ख़ाह में कहें वी ऑल्सो नीड टू अवॉयड लॉन्ग इंट्रोडक्शन्स अननेससरी एक्सप्लेशन पॉम्पस वर्ड्स एंड गशी पोलाइटनेस अब लॉन्ग इंट्रोडक्शन्स की तो कोई लिमिट नहीं होती हमें यह ख्याल करना है कि जो भी हम इंट्रोडक्शन करें अपने टॉपिक का वो बहुत ही कंसाइज हो क्योंकि हमने उसके बारे में आगे जाहिर है बात करनी ही है जो उसमें अननेससरी वर्ड्स हैं अननेसरी एक्सप्लेनेशनस हैं उनको हमें हटा देना चाहिए बहुत सी चीज़ें जैसे पहले कहा कि वो ऑबियस होती हैं उनको खामा में एक्सप्लन करने की ज़रूरत नहीं होती पॉम्पस वर्ड्स से मतलब है ऐसे अल्फाज जो खामा में हम इस्तेमाल करें अपनी किसी पे फॉर एग्जांपल रोब झाड़ने के लिए ऐसे लफ्ज़ों को इस्तेमाल करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो उससे हमारा मैसेज खामा में कॉम्प्लिकेट होता है और गशी पोलाइटनेस से मुराद है जो हम किसी से पोलाइट होने के शौक में या किसी से पोलाइट होने की ख्वाहिश में ज़्यादा ही पोलाइट हो जाए वो भी ठीक नहीं है ठीक नहीं लगता हर कम्युनिकेशन uh, में आपका भी एक्सटेचर है और सुनने वाले पढ़ने वाले का भी एक्सटेचर है इसलिए आपने उस दोनों को मद्देनजर रखना है लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप इतने पोलाइट हो जाएं कि अगला जो सुनने वाला है या पढ़ने वाला है वो इमपेश हो जाए आपकी पोलाइटनेस से यू ऑल्सो नीड टू गेट टू द पॉइंट टैक्टफुली एंड कंसाइसली कीप टॉकिंग अबाउट कंसाइसनेस बट यू ऑल्सो नीड टू हैव टैक्ट कंसाइसनेस का मतलब एब्रप्टस नहीं होता जो आप बात करें वो शॉर्ट हो लेकिन इतनी भी शॉर्ट ना हो कि सुनने वाले को लगे कि आप रूढ़ हो रहे हैं फॉर एग्जाम्पल वर्डी एक्सप्रेशन वुड बी वी हैव बाई विश टू लेट यू नो दैट अ कंपनी इज प्लीज विद द कॉन्फिडेंस यू हैव रिपोज इन अस अब इस एग्जाम्पल में ओवर पोलाइटनेस है बहुत ज़्यादा पोलाइटनेस है और गशी एक्सप्रेशंस बहुत ज़्यादा हैं और डिफिकल्ट एक्सप्रेशन भी बहुत ज्यादा हैं सिंपल तरीका कहने का इसका ये होगा वी अप्रिशिएट योर कॉन्फिडेंस बात तो वही है चार लफ्जों में है उधर दस लफ्ज़ों में थी अननेसेसरी रेपिटेशन हमें अवॉइड करनी है फॉर एग्जाम्पल यू नीड टू यूज़ शॉर्ट नेम्स वेन यू हैव मैंशन द लॉन्ग वंस वंस

शायद आप अपने पैगाम में पहली बार जब पी का जिक्र करें तो आप पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस कह दें और उसके बाद जब भी जिक्र हो आप पी आई कहें तो सुनने वाले को यह पता होगा कि आप पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की बात कर रहे हैं वी नीड टू कट आउट नीडलेस रेपन और दैट आर बी रिपीटेड अनलेस दे हैव अ वी इट इज परल्सो पॉसिबल टू कम्बाइन टू और इवन थ्री सेंटेंसेज यूजिंग सबॉर्डिनेट क्लॉज ऑफ फ्रेजेस विच मीन्स दैट इंस्टेड ऑफ यूजिंग टू और थ्री लॉन्ग सेंटेंसेज We use se uh, one sentence within another, or we combine them. The following example clarifies. It. This is a letter from a business executive in a company for five years. It says, "Will you ship us sometime any anytime during the month of October would be fine, or even November, if you are rushed. November, in brackets, November would suit us just as well, in fact, a little bit better. 300 of the regular Dell computers.

खामा खां की बात लंबी कर रहे हैं और रिपीट भी कर रहे हैं इसी को बेहतर करने का एक ये तरीका होगा सिंपली जैस से प्लीज शिप बाय पार्सल पोस्ट बिफोर द एंड ऑफ नवंबर 300 डेल कंप्यूटर्स। बात तो यही थी पिछले एग्जाम्पल में भी लेकिन उसको यही कहने का बेहतर तरीका है यू कैन से प्लीज शिप बाय पार्सल पोस्ट बिफोर द एंड ऑफ नवम्बर थ्री डेल कंप्यूटर्स अब ये देखें बात तो ये वही थी तीन सौ के लिए रिक्वेस्ट उनने की थी लेकिन इस जिस तरह पहले की गई थी वो बहुत लंबा तरीका था और जो अब ये दूसरे एग्जाम्पल में थी ये बहुत बेहतर और कंसाइज तरीका था उसी बात को करने का नॉन विन शो यू सम एग्जाम्पल्स दैट बेसिकली हैव द मीनिंग्स ऑफ सम फेमस प्रोवर्बस बट फॉर जस्ट टू शो यू हाउ नॉन कंसाइज मैसेजेज कैन भी कॉम्प्लिकेटेड वी हैव मेड दैम एक्स्ट्रा लॉन्ग एंड वीव पुट इन समनेससरी वर्ड्स एंड मेड द मीनिंग्स लाइकली मोर कॉम्प्लिकेटेड लेट्स आव वो इट दैम

बी इट मिनिमम डवेलिंग इन द डिप्रेस सोशियो इकोनॉमिक एरिया देर इज नो प्लेस लाइक होम यू जस्ट नीड टू से देर इज नो प्लेस लाइक होम इसी बात को इतना लंबा करके इतना वर्डी करके बताने की जरूरत नहीं है ऑल प्रोग्राम एक्टिविटी एंड नॉन यूटिलाईजेशन ऑफ रिक्रिएशनल आउटलेट्स मेक जैक लेस देन फुली रियलाइज पर्सनैलिटी इन सिंपल वर्ड ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक जैक अडल्ट बॉय Do not attempt statistical estimates of your chickens before it is feasible to correlate volume variance with project estimation. tarika hai don't count your chickens before they are hatched. The utilization of a superfluity of culinary personnel maximizes disorganization and has a deleterious effect on the broth. It basically means too many cooks spoil the broth. Abdekre बहुत लंबा जब एक बात को कहें तो उसका मतलब जो है वो खाम में कॉम्प्लिकेट हो जाता है और उसी को शॉर्ट तरीके से कहना ज्यादा ज्यादा मर होता है अज्यूम दैट यू आर राइटिंग फॉर एन एवरेज सिटीजन वट सिनेम्स द फॉलोइंग वर्ड्स बी बेटर अंडरस्टूड बाई दे आर वर्ड्स वी हैव वर्ड्स रिप्लेस दैम बाय अदर वर्ड्स इट बिकम्स मोर इफेक्टिव So, if you are writing for an average citizen, for a normal person, regular person, not an academic, not an expert in English, you would need to replace certain words in your writing so that it is easily understood. Default, fail to fulfill, rescind, cancel, aggregation, totality, contingent, uh, easier word would be group, and discrepancy, difference, or inconsistency. So, all these words can be replaced by simpler words, easier words. They might be replaced by instead of one word by two words, but they are then simpler and easier to understand. So, basically, for conciseness, what you need is the following checklist you need to use one word in place of, of, uh, of phrases. If you have a phrase, replace that by one word, one sentence in place of two sentences. And you need to read out aloud or listen for wordiness. You should omit outdated trite expressions, ask yourself what material is very relevant, and obviously delete irrelevant material. Also, look for unnecessary repetition, check if the same word or idea appears too often, then you need to delete that. So, in this lesson, we have looked at briefly the seven C's, but in more detail, we have looked at completeness and conciseness. The rest of the seven C's, which are consideration, concreteness, clarity, courtesy, and correctness, we will look at in the following sessions. In this lesson, we have looked at two out of the seven C's. We have looked at completeness and conciseness, and in the following lessons, we will look at consideration, concreteness, clarity, courtesy, and correctness. Till then, Allah Hafiz.